हमीरपुर जिला के बड़सर के चंबे गांव का एक पूर्व सैनिक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। ठगों ने पूर्व सैनिक से ऑनलाइन 14.62 लाख रुपए ठग लिए हैं। चंबे गांव के सोमदत्त के लड़के शांत ने बताया कि उसके एक ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी से मोबाइल का ऑर्डर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने मोबाइल वापस कर दिया, जिसके बाद उनको अनजान मोबाइल नंबर से फोन आया कि आपका नंबर हमारी कंपनी की तरफ से लकी ड्रॉ में विजेता के रूप में घोषित हुआ है। इनाम के तौर पर आपको 12 लाख रुपए या स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी। लग्जरी गाड़ी इनाम में निकलने की जानकारी मिलते ही ईशांत ने पूरी बात अपने पिता को बताई। उसके बाद दोनों की अनजान मोबाइल नंबर वाले शख्स से गाड़ी की डिलीवरी लेने के बारे में बातचीत होने लगी। इनाम देने वाले शख्स ने उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 5,500 रुपए जमा करवाने को कहा। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य कई प्रकार की बातों में उलझाकर कुल 14,62,300 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन लग्जरी गाड़ी नहीं दी। पिछले कई महीनों से आस लगाए बैठे बाप बेटे को जब लग्जरी गाड़ी नहीं मिली तो उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। उसके बाद भी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन बड़सर पहुंचे। बड़सर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज करके छानबीन आरम्भ कर दी है। जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि पढ़े लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं, जबकि पुलिस समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास कर रही है। एसपी हमीरपुर अजीत सेन के अनुसार ऑनलाइन ठगी की शिकायत पुलिस में आई है। बड़सर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस प्रकार की लॉटरी और ऑनलाइन गिफ्ट के लालच में ना आए। उन्होंने अपना बैंक खाता, एटीएम पिन नंबर और आधार नंबर किसी के साथ शेयर ना करने की हिदायत भी दी है। हमीरपुर जिला के चमियाना गांव के बाशिंदों ने सड़क काम में अड़ंगा पैदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसपी हमीरपुर से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर एसपी कार्यालय में पहुंचे दर्जनों चमियाना गांव के बाशिंदों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया कि अगर दो दिनों के भीतर सड़क की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ने आए हुए प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चमियाना गांव में बन रही सड़क को पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी बाधा बना हुआ है, और वहीं 40 सालों से मार्ग गांव को जाता है, लेकिन चमियाना के बटेड़ के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और करीब 6.5 किलोमीटर सड़क का लाभ 500 परिवारों को पहुंचेगा, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा 12 मीटर रास्ता नहीं बनाए दिए जाने से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते ही अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के पास आकर जल्द मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत बीना देवी ने बताया कि सड़क बनाने के लिए एक पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति धमकी देता है और पंचायत में बन रहे रास्ते को भी नहीं बनाने देता है। उन्होंने बताया कि एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 40 सालों से सड़क गांव को जा रही है, लेकिन इस सड़क पर
एक व्यक्ति द्वारा काम को रोके जाने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि एसपी और डीसी महोदय से मिलकर समस्या को हल करने की गुहार लगाई गई है ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। लोगों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन समस्या हल नहीं करवाएगा तो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में इस साल 500 छात्रों ने ज्यादा दाखिला लिया है। लड़कियों ने दाखिले में लड़कों को पछाड़ दिया है। सेकेंड राउंड एडमिशन में 8 संकाय में ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है। कॉलेज में छात्रों की रूटीन में कक्षाएं लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर महाविद्यालय में इस वर्ष 1,717 छात्रों ने दाखिला लिया है। हालांकि इनमें बीसीए और बीबीए के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में 781, बीए में 709, बीकॉम में 141 और बीबॉक में 86 छात्रों ने दाखिला लिया है। कॉलेज में 904 लड़कियां व 727 लड़के बीएससी बीकॉम व बीए में दाखिल हुए हैं। बीएससी संकाय में 453 लड़कियां व 328 लड़के, आर्ट्स में 383 लड़कियां व 326 लड़के और बीकॉम में 68 लड़कियां व 73 लड़कों ने दाखिला लिया है। यही नहीं, छात्रों की संख्या बढ़ने से कॉलेज प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि कॉलेजों में दिन प्रतिदिन कम हो रही छात्रों की संख्या चिंता का विषय बन गया था। अगर छात्रों की संख्या कम होने का सिलसिला यूं ही जारी रहता तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का हाल भी सरकारी स्कूलों की तरह ही हो जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल का कहना है कि कॉलेज में छात्रों की कक्षाएं रूटीन में लगाई जा रही हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो सके। कॉलेज में सभी संकाय के टाइम टेबल लगा दिए गए हैं और छात्र भी टाइम टेबल के हिसाब से कक्षाएं लगाने में लगे हुए हैं।